जब भी होटल में जाते हैं तब हम सूप ऑलवेज ऑर्डर करते हैं, और ख़ास करके सर्दियों की सीज़न में टमाटर का सूप पीने का बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम घर पे ही बाहर जैसा सूप बनाएंगे। एक चम्मच ऑयल ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा गार्लिक डाल के अच्छे से सौते कर लेंगे। गार्लिक सौते हो जाए उसके बाद हम अनियन ले लेंगे। मैंने यहाँ पे एक बड़ी साइज़ का अनियन लिया है, इससे ज़्यादा हमें इसमें अनियन नहीं डालना है। अनियन को भी अच्छे से सौते कर लेंगे। अनियन हमारी अच्छी तरह से सौते हो जाए उसके बाद गाजर ले लेंगे। मैंने एक कप गाजर लिया है। गाजर से हमारे सूप का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। गाजर को सौते कर लेंगे। अब डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। गाजर और अनियन अच्छे से सौते हो चुके हैं तो ले लेते हैं हम टमाटर। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम टमाटर लिए हैं। टमाटर को हमें इसी तरह बड़े बड़े ही कट कर लेना है, छोटे कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे करीबन 15 से 20 मिनट कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो इसे हमें कवर करके ही कुक करना है। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे कि हमारे टमाटर कुक हो चुके हैं या नहीं। वापस से हम ढक्कन ढक देंगे और वापस से इसे कुक होने के लिए रख देंगे। तो अब देख सकते हैं कि हमारे टमाटर है वो करीबन आधे पक चुके हैं। तो इसी तरह हम स्पैचुला की मदद से उसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और मैश कर लेंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। हमें इस तरह से मैश कर लेना है ताकि टमाटर का जो पानी है उसी में से अच्छे से कुक हो जाएगा। ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे और कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च हम यहाँ सिर्फ कलर के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। सूप में जो थोड़ा सा तीखापन चाहिए वो काली मिर्च से आ जाएगा। अब वापस इसे ढक के करीबन 1 से 2 मिनट पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1 से 2 मिनट के बाद हमारा जो सूप है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और मिश्रण को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो जाए उसके बाद हमें इसे मिक्सी जार में क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद हमें इसी तरह छन्नी की मदद से इसे छान लेना है, क्योंकि टमाटर की जो छाल है वो निकल जाए। अगर ऐसे ही हम इसे बनाएंगे तो वो एकदम सॉफ्ट नहीं बनेगा। जो बाहर मिलता है एकदम स्मूथ वाला, वैसा क्रीमी सा अगर आपको बनाना है तो इसे एक बार ज़रूर छान लेना है। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट में जो पार्ट बचा है वो हमारी टमाटर के जो छिलके थे वो सब कुछ ही थे। अब इसे गैस पे लगा देंगे और करीबन 5 मिनट इसे कुक करना है। तो मैंने यहाँ 1 कप पानी ले लिया है हमारे सूप की कंसिस्टेंसी को परफेक्ट करने के लिए। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। 2 चम्मच हम चीनी डाल देंगे, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। मैंने यहाँ पे नमक डाला है क्योंकि हमने वापस से 1 कप पानी डाला था, तो इसीलिए आप एक बार चखने के बाद ही इसमें पानी डालें और एक उभार आ जाए उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारा सूप एकदम तैयार हो चुका है। अब ले लेते हैं इसे सर्विंग बाउल में। आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना।